हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनन के 250D के बारे में और हम बात करेंगे इस बारे में कि इसमें क्या नया है और इस कैमरे के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और इस कैमरे के कॉम्पिटिटर्स के पास क्या ज्यादा है इससे और इस कैमरे के कॉम्पिटिटर्स के पास इससे क्या कम है, क्या इस प्राइस में आपको इससे बेटर कैमरा मिल सकता था या नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैनन के 200D में मिलता था आपको फुल हाई डेफिनेशन वीडियो और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको कैनन के 250D के अंदर वो ये है कि इसके अंदर मिलता है आपको 4K वीडियो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कैमरे में जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के 200D के साथ। लेकिन इस कैमरे के अंदर एक ऐसा वीक पॉइंट है, आपको 4K वीडियो को एंजॉय नहीं करने देता। जैसे कि जब आप 4K वीडियो बनाते हैं इस कैमरे के अंदर तो आप देखेंगे कि आपका जो वीडियो है उसमें जूम ज्यादा हो गया, यानी कि 2.3x एक्स्ट्रा जूम कर देगा ये कैमरा जब आप इसमें वीडियो बनाते हैं। तो आपका जो एडवांटेज है 4K का वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा जूम कर देता है। यानी कि अगर आपका कैमरा 18mm पे है तो ये 50mm के आसपास जूम कर देता है जब आप वीडियो 4K बनाते हैं। तो क्रॉप बहुत ज्यादा कर देगा ये कैमरा जब आप वीडियो बनाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम आती है आपको जब आप वीडियो बनाते हैं 4K 250D के साथ। और अगर आप ये सोच के कैमरा ले रहे हैं कि आप 4K वीडियो बनाएंगे कैनन के 250D के अंदर, तो आप देखेंगे कि इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है वो काम नहीं करेगा। जब आप 4K वीडियो बनाएंगे इस कैमरे से तो आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भी काम नहीं करता है। तो ये जो दो वीक पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको 4K वीडियो में, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जा रहा है कैनन के 250D के अंदर, जो कि सेम बिल्कुल सेम था इससे पहले आने वाले कैमरे M50 के अंदर। उसके अंदर भी आपका जो वीडियो है वो 4K मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट के अंदर। और दूसरा, उसके अंदर भी आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काम नहीं करता है जब आप वीडियो बनाते हैं। ये जो दो ड्रॉबैक्स हैं ये सेम टू सेम कैनन की M50 में भी थे। यहाँ पे एक चीज दिलचस्प है देखने लायक कि कैनन ने M50D के सेम फीचर्स 250D में डाल दिए जो कि एक DSLR कैमरा है, जबकि जो मार्केट है वो DSLR से मिररलेस पे शिफ्ट हो रही है। दूसरा, जब पहले से ही ये फीचर मिल रहा है कस्टमर्स को सेम प्राइस पॉइंट पे तो लोग 250D क्यों लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि DSLR के कस्टमर जो है जिनको DSLR ही चाहिए, यानी कि जिनको मिरर वाला टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको रिफ्लेक्शन वाला व्यू पॉइंट चाहिए, उनके लिए ये कैमरा एक एडवांटेज देता है कि आपको 4K वीडियो मिल जाता है कैनन के 250D के अंदर। लेकिन जो कॉम्पैक्टनेस होता है, जो व्यू फाइंडर का एडवांटेज है मिररलेस का, वो यहाँ पे कमी मिलेगी आपको 250D के अंदर, जिसके वजह से लोग कैनन का कैमरा लेते हैं कि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है वीडियो के टाइम पे। तो यहाँ पे डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काम नहीं करता है जब आप वीडियो बनाते हैं और ये काफी बड़ा ड्रॉबैक है जब आप 4K वीडियो बनाते हैं कैनन के 250D से। लेकिन अगर आप इस कैमरे से फुल हाई डेफिनेशन वीडियो बना रहे हैं तो ये कैमरा कोई क्रॉप नहीं करेगा, यानी कि आप फुल HD वीडियो जब बनाते हैं इस कैमरे से तो ये नॉर्मल रहेगा कैमरा। यानी कि नॉर्मली आप देखते कि 18mm पे अगर आपका कैमरा है तो 29mm के आसपास आपको वाइड एंगल दे देता है जो कि नॉर्मली हर कैमरा देता है कैनन का। तो यहाँ पे इतना क्रॉप नहीं मिलेगा आपको। क्रॉप का एक और डिसएडवांटेज होता है, जैसे मान लीजिए आप सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, आप खुद को देख के वीडियो बना रहे हैं, आपको आपके वाइड एंगल स्क्रीन है, आपने स्क्रीन को अपनी तरफ मोड़ के आप जो है वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा। अगर आप फुल HD वीडियो ही बनाएंगे तो कैनन का 200D सेम कैमरा ही है। यानी कि अगर आप कैनन के 250D के साथ 4K वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत वाइड एंगल लेंस लेना पड़ेगा, तब कि आप जो है पास से वीडियो बना पाएंगे या फिर सेल्फी वीडियो बना पाएंगे। नहीं तो आप जो है आपको सेल्फी वीडियो बनाने थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि आपका जो वाइड एंगल है वो कम हो जाएगा वीडियो के टाइम पे। यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि कैनन के 250D के अंदर आपको स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्लो मोशन वीडियो नहीं मिलेगा। यानी कि ये कैमरा स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन नहीं देता है जब आप 4K वीडियो बनाते हैं तब। लेकिन आपको इस कैमरे एक काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है जो कैनन के 200D में नहीं था या पहले के कैनन के DSLR में नहीं था, वो ये है कि इस कैमरे के अंदर आपको आई ऑटो फोकस मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा रहा है कैनन के 250D के अंदर, यानी कि आपके आई को डिटेक्ट कर लेगा, आपकी आई पे फोकस करेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कैनन के DSLR के अंदर कि आपको आई ऑटो फोकस मिल जाए, तो आपका जो कैमरा है वो आंखों की तरफ फोकस कर लेता है। तो आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके जो इमोशंस हैं सबसे ज्यादा वो आई पे शो करते हैं जब आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे होते हैं, तो आई ऑटो फोकस आपको 250D में मिल जाएगा। ऊपर से डुअल पिक्सल सीमोस तो है इस कैमरे के अंदर, तो डुअल पिक्सल सीमोस और आई ऑटो फोकस का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, तो आपको आई ऑटो फोकस के साथ 250D मिल जाता है। कैनन ने 250D है इसमें एक और नया एडवांटेज दिया है कैनन ने कि आप इस कैमरे को दो कलर में खरीद सकते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। नॉर्मली आप देखेंगे कि व्हाइट कलर के कैमराज बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो लेंसेज हैं वो ब्लैक कलर के ही मिलते हैं मार्केट में, तो वो कॉम्बिनेशन दिखने में अजीब लगता है। या हो सकता है आपको लाइक हर किसी की अपनी भी पसंद है, तो व्हाइट कलर के लेंसेज थोड़े कम मिलेंगे मार्केट में। तो एक नई चीज मिलती है आपको DSLR के अंदर कि
आपके पास एक कंज्यूमर बेस्ड डीएसएलआर आता है जिसमें कि व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कैनन के 250D के अंदर जो कि कैनन के 200D में नहीं था, वो ये है कि इस कैमरे में जो आपको बैटरी का बैकअप दिया हुआ है वो 1070 शॉट्स का है। जो पहले कैनन का 200D आ रहा था उसके अंदर जो बैटरी का बैकअप था वो 600 शॉट्स के आसपास था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बैटरी का बैकअप मिलता है जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के 200D के साथ। ये काफी बड़ा एडवांटेज माना जा रहा है कैनन के 250D के अंदर जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के 200D के साथ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज लगता है कि पावर बैंक चार्जिंग ऑप्शन या फिर यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन आना चाहिए था एक डीएसएलआर कैमरा के अंदर, जो कि काफी हेल्पफुल होता है जब आप कैमरे को चार्ज करना चाहते हैं। आप कैमरा को इजीली पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, अगर आपका कैमरा यूएसबी से चार्ज हो रहा है तो आप इजीली पावर बैंक से अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। कैनन के जो 250D है वो अब भी 9 फोकस पॉइंट के साथ ही लॉन्च हुआ है, यानी कि फोकस पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। ये मैं बहुत बड़ा वीक पॉइंट मानता हूँ कैनन का कि अब भी कैमरा 2019 में भी कैमरा 9 फोकस पॉइंट साथ ही आ रहा है, जबकि कंपटीशन में 39 फोकस पॉइंट्स आ रहे हैं और सोनी के काफी कैमरे आ रहे हैं जिनमें फोकस पॉइंट स्टार्ट ही 179 फोकस पॉइंट्स होते हैं। अभी तो वो अराउंड 425-850 तक पहुंच चुके हैं, तो मैं काफी वीक पॉइंट मानता हूं कैनन का कि अभी भी वो 9 फोकस पॉइंट के साथ ही कैमरे को लॉन्च कर रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप कैनन का कैमरा 4K वीडियो की वजह से लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे सोनी के कैमरा ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर APS-C सेंसर भी मिलता है, आपका जो कैमरा है वो 4K वीडियो भी बनाता है, आपके पास स्लो मोशन वीडियो के ऑप्शन भी है और फोकस पॉइंट्स भी काफी ज्यादा है। आप चेक कर सकते हैं अल्फा 6400 को, प्राइस ज्यादा है उस कैमरे का, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आप कैमरा खरीद रहे हैं तो अल्फा 6400 आपको 4K वीडियो बेटर दे देगा और फोकस पॉइंट भी उसके अंदर काफी ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर स्लो मोशन वीडियो 4K वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं तो अल्फा 6400 काफी अच्छा कैमरा है। मेरा अगला वीडियो अल्फा 6400 के बारे में है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए जो कि अल्फा 6400 के बारे में है। यहाँ पे आपको जो फ्रेम पर सेकंड है वो सेम है जो कैनन के 200D के अंदर था, तो यहाँ पे जो फ्रेम पर सेकंड है वो 5 मिलता है आपको जो कि कैनन के 200D पे भी मिल रहा था। अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो कैनन का 200D और कैनन का 250D आपको सेम पिक्चर क्वालिटी देने वाले हैं, क्योंकि दोनों कैमरा के अंदर सेम सेंसर लगा हुआ है और दोनों कैमरा 24 मेगापिक्सल में ही है, फोकस पॉइंट दोनों कैमरे के सेम ही है तो पिक्चर क्वालिटी दोनों की सेम ही आएगी। यहाँ पे आप देखिए कैनन के 200D में जो प्रोसेसर था वो डिजिट 7 था, लेकिन कैनन के 250D के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है डिजिट 8 प्रोसेसर, तो यहाँ पे प्रोसेसर का बदलाव किया है कैनन ने। यहाँ पे जो सेंसर है वो थोड़ा बेटर है कैनन का, इसी वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो गई है कैनन के 250D के अंदर। तो अगर आप रॉ शूटिंग कर रहे हैं तो 5 FPS के हिसाब से 10 FPS के बाद कैमरा रुक जाता है, लेकिन अगर आप JPEG शूट कर रहे हैं तो आपका जो कैमरा है वो अनलिमिटेड फ्लैश क्लिक करेगा जब तक आपका मेमोरी कार्ड फुल नहीं हो जाता कैनन के 250D के अंदर। जो कैनन का 250D है वो 4 ग्राम लाइटर है अगर आप कंपेयर करते हैं कैनन के 200D से, और साइज बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के और वेट के कैमराज हैं जब आप साइज और वेट को कंपेयर करते हैं कैनन के 250D और कैनन के। तो 4K वीडियो की वजह से अगर आप 250D ले रहे हैं तो आप थोड़ा बजट बढ़ा के सोनी का अल्फा 6300, अल्फा 6400 ये कैमराज आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके वीडियो में। अगर आप फोटोग्राफी के लिए देख रहे हैं तो कैनन 250D अच्छा कैमरा है, लेकिन 200D भी रिकमेंडेशन है क्योंकि दोनों कैमराज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर निकॉन का D5600 भी देख सकते हैं जो कि आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी दे देता है, पिक्चर क्वालिटी में 5600, 200D और 250D ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि लाइक से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।